brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. कहीं ना कहीं अफजान अंसारी को तो गम भी है और खुशी भी है। कभी आपने भी देखा होगा कि अखिलेश जी आए थे और एक हम लोग के यहाँ कहावत है ना, कहतरी का दही लगा के सजाओ दही उनको खिला रहे हैं, और जबकि हमारे आपके अगर घर में कोई गुजरता है तो हम लोग 12-13 दिन अन्न नहीं छूते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रविवार यानी कि 7 अप्रैल को गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद परिजन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की थी। अफजाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का आना अच्छा लगा और परिवार की हिम्मत बढ़ी। वहीं सपा मुखिया के मुख्तार के घर जाने पर कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव लगभग 1 घंटा मुख्तार अंसारी के घर पर रहे। परिजन से मिलकर श्रद्धांजलि देने के बाद वो हेलीकॉप्टर से लखनऊ वापस चले गए। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें से एक तस्वीर में अखिलेश यादव अफजाल अंसारी के साथ बैठे हुए हैं और उनके सामने खाने पीने की काफी चीजें रखी हैं। अखिलेश यादव की इसी तस्वीर पर पीयूष राय ने तंज कसा है। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने पर कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा कि सपा प्रमुख को गाजीपुर के फाटक जाना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने आगे कहा कि मुख्तार की मौत पर उनके भाई अफजाल अंसारी को खुशी भी है और गम भी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहावत है कि कहतरी वाली दही सजाकर दावत के लिए दे दो। हमारे यहाँ किसी की मौत पर 13 दिनों तक अन्न तक नहीं खाते हैं और यहाँ दावत चल रही है। इसका मतलब मुख्तार की मौत का उन्हें गम भी है और खुशी भी। उन्हें गम इस बात का है कि चुनाव का खर्चा कैसे निकलेगा और माफिया की मौत की खुशी। कहीं ना कहीं अफजान अंसारी को तो गम भी है और खुशी भी है। कभी आपने भी देखा होगा कि अखिलेश जी आए थे और एक हम लोग के यहाँ कहावत है ना, कहतरी का दही लगा के सजाओ दही उनको खिला रहे हैं, और जबकि हमारे आपके अगर घर में कोई गुजरता है तो हम लोग 12-13 दिन अन्न नहीं छूते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की खुशी भी है कि एक अपराधी चला गया, शायद कहीं ना कहीं गम भी है कि उनके चुनाव का खर्चा कौन उठाएगा। तो मैं मानता हूं कि ये पूरा राजनीतिक स्टंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अब वो लोग क्या समझते हैं, वो खुशी के माहौल में है कि गम के माहौल में। बता दें कि 28 मार्च की रात को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्तार की मौत को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश से ही नहीं बल्कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत श्रद्धांजलि देने कई लोग पहुंचे थे। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, UP तक।